दास कमीशन का पुरजोर विरोध किया। वो विरोध इसलिए था कि दास कमीशन का जो टर्म्स एंड रेफरेंस था वो कर्मचारियों के विरोध में था। दास कमीशन की वजह से ही कर्मचारियों को पूरा महंगाई भत्ता नहीं मिल पाया। जो उस समय की प्राइस इंडेक्स थी वो डिफेक्टिव थी, जिसका कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन पुरजोर विरोध कर रही थी। ना तो पॉइंट टू पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन था और ना ही उससे जो है वो महंगाई की जो है वो कोई जो है वो महंगाई पर कोई रोक लगने की बात थी, बल्कि उल्टा हो ये रहा था कि जो रियल वेज है उसके अंदर कटौती हो रही थी। ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के संघर्ष का ही परिणाम है, जो बाद में सन 60 की हड़ताल में भी परिवर्तित हुआ और 60 की हड़ताल की वजह से ही जो है वो एक तरीके से महंगाई भत्ता जो है वो कर्मचारियों को मिलना शुरू हुआ। लेकिन सरकार यही सब तिकड़म करके जो कर्मचारियों को सही में महंगाई भत्ता मिलना चाहिए था या 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए था वो उसने नहीं किया। और ये जो काम है वो सरकार ने अपने पार्टी की जो यूनियन थी इंटक उससे मिलकर के करने का काम किया और उसमें NFIR ने सहयोग करने का काम किया।